बाइक सीधे नहीं चला सकते तुम लोग? हाँ भाई, तेरी भयक भयक तोड़ दूंगा मैं, समझा? ये नजारा जो है ना बिल्कुल तबाही है। ओह क्या बात है, क्या यहाँ से पानी भी चल रहा है हमारे साथ और हम भी जा रहे हैं भाई फुल पावर मजे करते हुए। एंड यहाँ से चेक कर लो भाई कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, फुल पावर यार। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कहा था, लेकिन क्या करे यार, बेइज्जत लोग होती है ऐसे। बाइक जो है मिसिंग करने लगती है, समझ नहीं लग रहा है क्यों, शायद से बहुत ज्यादा हीट अप हो रही है। यहाँ एक बार चेक करो क्या तबाही माहौल हो रहा है। एंड काशिप वगैरह पीछे रह रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनके साथ क्या इशू हो रहा है, लेकिन यहाँ से इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना राइड करने में, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बर्फ दिखना स्टार्ट हो गया यहीं से, यहाँ देख रहे हो भाई बर्फ बर्फ वगैरह है सारा कुछ, एंड फुल पावर तबाही हो रही है भाई। भाई वो देख रहे हो काशिप दादा कैसे चल रहा है भाई, एक पंगा हो गया चंदनवारी से वापस आते हुए। जितना भी मैंने व्लॉग कैप्चर किया ना, सारा का सारा जाया हो चुका है, एंड उसमें जो वॉइस ही नहीं आई होगी। और यहाँ एक लीन चक्करो प्यारा सा, फुल पावर गाइस। ओह क्या बात है, क्या बात है। अभी यहाँ से एक बार नजारे चेक करो, क्या हो रहा है, क्या सही तो है, हो क्या रहा है? वाटरफॉल देख रहे हो भाई, ये कितना ठंडा है। काशिप की बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मिसिंग कर रही है भाई। भाई काशिप की बाइक में ना थोड़ा बहुत इशू हो गया था, एंड अभी वही हम सॉल्व कर रहे हैं। और अभी पीछे मेरा आप देख पा रहे होंगे खतरनाक जगह हो रहा है बाइक के साथ, बाइक मिसिंग कर रही है और रेस नहीं पकड़ रही। मैंने बोला था तू अपनी वाली बाइक ला, अभी पछता रहा है भाई मैंने अपनी वाली बाइक क्यों नहीं लाई। फुल पावर, उसमें भी प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कहा था, लेकिन क्या करे यार, बेइज्जत लोग होती है ऐसे। काशिप की बाइक में एक प्रॉब्लम आ चुकी है, बाइक जो है मिसिंग करने लगती है, समझ नहीं लग रहा है क्यों, शायद से बहुत ज्यादा हीट अप हो रही है। आज यहाँ से पहले चेक करो क्या तबाही है, फुल पावर। खांसी को इग्नोर करना क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमारी चल रहा हूँ, ये आपको पता ही है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है मेरी। एंड यहाँ से चेक कर लो भाई कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, फुल पावर यार भाई सीना। एंड यहाँ पे जो बर्फ है वो बहुत सारी है, पीछे से भी देख लो आगे से भी देख लो भाई, फुल पावर था भाई यार। पहले थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, जाते हैं ऊपर, काश वगैरह ऊपर जा चुके हैं, मैं खाली नीचे हूँ। एंड अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या सीन देखने को मिलता है। वो आज हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस, लेकिन यहाँ पे ठंड ना थोड़ी सी बढ़ चुकी है। कैसी ऊपर से नीचे आ रही है भाई, 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 भाई। चेक करो एक बार, ये देख रहे हो भाई ओले गिर रहे हैं यहाँ, देख रहे हो। पंगा हो गया चंदनवारी से वापस आते हुए। जितना भी मैंने व्लॉग कैप्चर किया ना, सारा का सारा जाया हो चुका है, एंड उसमें जो वॉइस ही नहीं आई यार, होता रहता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं बैटरी चेंज करूंगा ना, पूरा ध्यान रखूंगा कि हाँ माइक लगाई है कि मैंने। सीधे नहीं चला सकते तुम लोग? हाँ भाई, तेरी भयक भयक तोड़ दूंगा मैं, समझे? आप लोग देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं इस वाली साइड ना, ये वाली साइड नहीं आता, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि भाई साहब वो वाली साइड का ब्लॉग जो है ना वो सारा का सारा करप्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें वॉइस ही नहीं आई होगी बिल्कुल भी नहीं। और अब हम आए इस वाली साइड, एंड यहाँ थोड़े से नज़ारे लेंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधा वापस। ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए अच्छा सा, एंड उबैद पता नहीं कहाँ चला गया भाई। काशिप ना उबैद को चिढ़ा रहा है भाई फुल पावर तरीके से, एंड उबैद जो है वो चिढ़ भी रहा है, समझ रहे हो? अब ये नज़ारा जो है ना बिल्कुल तबाही है। ओह क्या बात है, क्या बात है। राफ्टिंग जो है ना वो इस वाले साइड से होती है, आप लोग कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो फुल पावर, एंड बहुत सारा मज़ा आएगा। यहाँ पे टेंट्स वगैरह भी लगे हैं भाइयों के, और ये फुल पावर एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं क्या माहौल देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही निकल जाएंगे फिर वापस घर। यहाँ से गए थे लेकिन वहाँ बैठने की कोई जगह ही नहीं मिली, तो मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ हम फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम में, और ट्रैफिक जाम में फंसते ही भाई क्या हालत हो गई है मेरी, मेरे शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, क्योंकि हम जो है सुबह के 10 बजे से अभी 4 बजने वाले हैं, और हम जो है ना कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं। अभी अभी पेट भर खाने के बाद अभी हम निकले हैं यहाँ से, हम जाएंगे दूसरे वाले रोड से।
यहाँ से एक बार चेक करो भाई, अभी सीधा चलते हैं घर क्योंकि मौसम जो है ना फिर से खराब हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई अभी की तरह ओले वगैरह गिरे, अगर वो सीन हो ना भाई फिर मैं तो डैडी हो जाऊंगा एकदम से। एंड अभी चलते हैं प्यार प्यार से और निकलते हैं सीधा घर। यहाँ से निकल चुके हैं प्यार प्यार से एंड काशिप और उबैद आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। देखो कैसे गाने सुन रहा है, कितना बड़ा हेडफोन लगा के भाई, अभी दिखा दो आपको। इसको पता है मेरे हेडफोन के बारे में बात कर रहा है भाई। स्कूटी पे कम से कम 5 बंदे बैठे हैं भाई। फुल पावर था भाई। मजा आ रहा है ना राइड करने में भाई, मौसम भी परफेक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट है, यहाँ से पानी भी चल रहा है हमारे साथ और हम भी जा रहे हैं भाई फुल पावर मजे करते हैं। एक बात सही है भाई, यहाँ के रोड्स ना मक्खन है मक्खन भाई। यहाँ पे एक ZR भी आती है लेकिन हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि लेट हो गया घर, हम चाहते हैं कि घर जल्दी जल्दी। यहाँ पे ना अननोन 2 बंदे हमें मिल चुके हैं लेकिन ये क्या गंदा राइड कर रहे हैं भाई 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 भाई, मतलब कम से कम 100 के नीचे ये कहीं रखी नहीं। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है, यहाँ पे है क्या? अच्छा यहाँ पे एग्जाम वगैरह होगा शायद, दैट्स वाई। तो ये यहाँ का डिग्री कॉलेज है, सही सही सही, शायद यहाँ से एग्ज़ाम वगैरह होगा या कुछ और। आ चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे एंड ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है भाई, पिछले 1 घंटे से हम ट्रैफिक में चल रहे हैं भाई, ट्रैफिक ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना मैं, क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये वाली बैटरी की नहीं, लास्ट वाली सेल बची है। 140 किलोमीटर हमने निकाले हैं तो दिन के हिसाब से ये ठीक है। हम आ चुके हैं हाईवे के पास एंड काशिप दादा जो है ना वो पीछे रह चुका है एंड पहले काशिप दादा को आने देते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं सीधा यहाँ से घर के लिए। तो अभी चलते हैं प्यार प्यार से एंड ओहो भाई यहाँ जो है ना क्रैश होने वाला था फुल पावर। फुल पावर भाई, अभी हाईवे पे हम फुल पावर चल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ना। उबैद देख रहे हो, उबैद की हालत एक बार चेक करो भाई। उबैद की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। इसी के साथ हम हाईवे से नीचे उतरने वाले हैं एंड सीधा जाने वाले हैं अपने वाले रास्ते पे भाई 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 भाई, जो कि घर का रास्ता है। फिर से ट्रैफिक की शुरुआत भाई 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 भाई, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है ना यहाँ से, मैं क्या बताऊँ यार भाई। ट्रैफिक, इस ट्रैफिक ने मेरी जिंदगी खा रखी है भाई। हम राइडर्स की लाइफ में ना भाई ये चीज सबसे गंदी है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ एंड कसम से कह रहा हूँ भाई, अब बाइक चलाने की हिम्मत ही नहीं रही। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी नहीं थकी है बस मेरे शोल्डर्स में इतना ज्यादा पेन है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आज का व्लॉग जो है एंड यहीं पे करते हैं। आई होप कि आपको जो मेरी ये राइड है पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी फाइन, खुदा हाफिज़।